हिरा को बीमारियों के नाम उर्दू में पता नहीं है, इंग्लिश में तो पता है लेकिन उर्दू में बीमारियों को क्या कहते हैं वो नहीं पता। इसलिए मैंने तीन बीमारियां सेलेक्ट की हैं, मैं उर्दू में बोलूंगा और हिरा बताएगी कि ये क्या बीमारी है। ठीक है हिरा, आर यू रेडी? पहली बीमारी है बर्स। ओह ये क्या है? तो बर्स क्या होते? तो मैंने नहीं सुना, तो मुश्किल मुश्किल सवाल पूछ मैंने रहे अभी आप। रिसेंटली वीडियो बनाई है इस पे। फोड़े नहीं नहीं फोड़ा नहीं। एक मिथ है कि दूध के साथ होता वो हो है जाता है रंग बिरंगा रंग वो बिरंगा। हाँ वो पड़ जाते हैं पैचेस व्हाइट कलर के, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? चंबा हो जाना चंबा? नहीं नहीं विटिलाइगो विटिलिगो। वेल डन। विटिलिगो, विटिलिगो एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि आपका जो अपना मुदाफती निज़ाम होता है, जो दिफाई निज़ाम है आपके जिस्म के अंदर, वही आपके जो कुछ खलिए होते हैं जिन्होंने काला या डार्क रंग पैदा करना होता है उसके खिलाफ हो जाता है। और उसकी वजह से जब वो खुलिए खत्म होते हैं तो उसकी वजह से सफ़ेद सफ़ेद पैचेस बन जाते हैं आपकी जिल्द पे, इसी को विटिलिगो कहते हैं। लेकिन ये ऑटो इम्यून है, इसका दूध के साथ या मछली के साथ या केले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक था ना, मैं जब हमारी शादी होने वाली थी हाँ 2-3 दिन के बाद शादी थी, तो मैं अपनी सिस्टर के घर गई, तो उन्होंने हाँ मुझे ना रात को ना मुझे कहती हीरा दूध पी लो। मैंने कहा मैंने नहीं पीना, कहती है पी लो हीरा, हमने पहले फिश खाई हुई थी, मैंने पी लिया। मुझे कहती हीरा कुछ नहीं होता, तुम डॉक्टर हो किस तरह की सोच रही हो। फिर मैंने दूध पी लिया, सारी रात मुझे नींद आई, मैं उठ के बार बार शीशा शीशे में भी देखो कि मेरे मुंह तो नहीं खराब हो गया। मैं सुबह उठी सबसे पहले शुक्र है मेरा मुंह नहीं गया। तो अब वाकई में इसका कोई लेना देना नहीं होता दूध के साथ और देखें मछली जी, के अभी तो आपको साथ प्रैक्टिकल प्रूफ भी मिल गया कि ऐसा इससे कोई कुछ नहीं फर्क नहीं होता। पड़ता, कुछ भी नहीं होता इससे। दूसरी बीमारी है चंबल। चंबल किसको कहते हैं? चंबल, चंबल से को कहते हैं मेरे यहाँ से नहीं ये मुझे भी नहीं था पता, अभी रिसेंटली पता चला। चंबल चंबल किसे कहते हैं? मुझे नहीं 10 तक पता गिनूंगा मैं। 5, 5, चंबल 1, 2, पंगा 3। ये तो मुश्किल है ना। चले मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, हाँ इसमें जिल्द आपकी खराब होना शुरू हो जाती है, जिल्द से चंबल रिलेटेड है। एक्सीमा, क्लोज। 4, चंबल की हर चुदा 5। नहीं खारिश हो जाती। सोराइसिस को कहते हैं। नहीं हाँ जी सोराइसिस को चंबल कहते हैं। सोराइसिस एक और जिल्द की कंडीशन है, ये भी ऑटो इम्यून होती है, आपके जो कुव्वत मुदाफ़त होता है उसी की वजह से आपके जिल्द के ऊपर मसला बनता है। जिल्द के खुलिए नॉर्मली बन रहे होते हैं नए, और पुराने वहाँ से उखड़ रहे होते हैं और ख़त्म हो रहे होते हैं। लेकिन सोराइसिस के अंदर इस बीमारी में जिल्द के खुलिए बहुत जल्दी पैदा हो रहे होते हैं और टर्नओवर उनका ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जिल्द पे ऐसे लग रहा होता है जैसे पैच बन गया, और वो उखड़े उखड़े से खुलिए होते हैं और वो सफ़ेद रंग के, जिस तरह मछली नहीं होती स्पेशली बिल्कुल चमकदार सा, हाँ उस तरह। स्पेशली यहाँ पे एल्बोज पे हो जाते हैं हाँ और नीज के ऊपर, घुटनों के एक्सटेंसर ऊपर हो जाते सर्फिसेज के हैं। ऊपर जो है वो नज़र आता है आपको। इसका इलाज जो है देखें, क्योंकि ये ऑटो इम्यून है तो इसका इलाज भी फिर वही अम्यूनो, आपने अम्यून सिस्टम को अगर सीवियर हो तो अम्यून सिस्टम को जो थोड़ा कम करती हैं वो दवाइयाँ लेते हैं, ये जो मेथोट्रेक्सेट वगैरह होते हैं डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, कभी भी खुद से इसकी दवाई नहीं लेनी, ये बहुत नुकसान पहुँचा सकती है आपको। विटामिन डी एंड स्टीरॉइड्स, विटामिन डी के एनालॉग्स देते हैं इसमें, वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा आप जो है वो जिल्द के ऊपर इमोलियंट्स वगैरह, क्रीम लगा सकते लोशन हैं। वगैरह लगा सकते हैं, उससे जो है वो बेहतरी आती है। ये बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि आपकी जिल्द पे ऐसा लग रहा होता है, अजीब सा फील हो रहा होता है, हालांकि ये गंदगी की वजह से, सफाई ना रखने की वजह से नहीं होता, लेकिन लग ऐसे रहा होता है कि शायद ये बंदा नहाता नहीं है या सफाई नहीं रखता, इस वजह से इसको ये हुआ, तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये आसान वाला है, आखिरी सफेद मोतिया किसको कहते हैं? कैटरेक्ट, कैटरेक्ट का। वेल ये तो डन। बहुत आसान ये किसकी था। वजह से होता है? चलो रिस्क फैक्टर बता दें इसके कि कैटरेक्ट किस वजह से होता है। कैटरेक्ट होता है अगर आपका जो लेंस है ना बेसिकली वो खराब होना शुरू हो जाता है उसके लेंस अब ऊपर, किसका मतलब? जो आंख के अंदर जो लेंस रखा हुआ ना, लेंस बना हुआ ना, इसके ऊपर व्हाइट पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। हाँ किस वजह से होता है ये? स्टीरॉइड्स जो लोग लेते हैं बहुत हाँ ज़्यादा, बिल्कुल। ओल्ड एज पेशेंट, बहुत सारे हाँ लोग जैसे पाकिस्तान में स्पेशली जिनको थोड़े पिनसे हाँ निकलती है, वो इनके लिए हकीमों से दवाई ले रहे होते हैं, स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं, एक जो तो सबसे उनसे कॉमन चीज़ है, सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से सफ़ेद मोतिया हो जाता है, फैमिली हिस्ट्री। नहीं सूरज की रोशनी। ओह मुझे नहीं पता सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा डैमेज करती है और उसकी वजह से सफ़ेद मोतिया हो जाता है, था। इसीलिए ये जो
ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, आई के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ये कहते हैं कि हमेशा ग्लासेस पहन के रखो, जब भी धूप में जाओ काली ग्लासेस पहन के रखो ताकि सूरज की रोशनी डैमेज ना करे। अच्छा, काली ग्लासेस मुझे तो लगता है कि लोग इसलिए पहनते हैं पाकिस्तान में किस लड़कियों को लिए? देखने के लिए। आपने दो क्वेश्चंस गलत बताए, एक एक का सही आंसर बताया ठीक ना। बताया, विच इज़ वेल एंड गुड। आपको उर्दू आती है, जी मुझे मतलब आती है। बीमारियाँ, हाँ बीमारियों के आती नाम, है, वैसे तो उर्दू हमारी एक जैसी है, लेकिन दिस इज़ गुड, इंग्लिश नॉट भी एक बैड, जैसी इंग्लिश भी एक जैसी है। हाँ,